प्रेज द लॉर्ड, प्रभु का धन्यवाद हो, प्रभु की स्तुति हो, प्रभु की आराधना हो। एक बार में प्रवेश कराया आज के इस दिन के समय तक, इस शाम तक मुझे और आपको पहुंचाया है। प्रभु का बड़ा धन्यवाद हो उसके महान अनुग्रह के लिए जो मेरे और आपके जीवन पर जिसके द्वारा मेरे और आपके जीवन में सब कुछ पूरा हुआ है। प्रभु का धन्यवाद करती हूँ। धन्यवाद ये वर्ष का ये आखिरी रविवार है, ये आखिरी संडे है, परंतु परमेश्वर का धन्यवाद हो उसने इस पूरे वर्ष में हमें से हर एक को सुरक्षित रखा, बहुत आयत से मुझे और आपको भरपूर किया, उसने अपनी भलाई को मेरे और आपके जीवन में बहुत आयत से दिखाया। प्रभु का धन्यवाद हो उसकी योजना हमारे जीवन में बहुत सुंदर रीति से, बहुत क्लियर रीति से मेरे और आपके जीवन में पूरी हुई। परमेश्वर ने अपनी उपस्थिति से हमें भरा ये वर्ष बहुत ही आनंद के साथ, बहुत ही ज़्यादा धन्यवाद के साथ हमारा बीत सका। प्रभु का धन्यवाद हो, बहुत ही अनप्रेडिक्टेबल वर्ष, लेकिन परमेश्वर का धन्यवाद हो कि हम सब उसमें होकर आनंदित हैं। हम सब आज के इस दिन तक, आज के इस वर्ष के आखिरी महीने के इन अंतिम दिनों में प्रवेश कर पाए हैं परमेश्वर के इस बड़े अनुग्रह के लिए जिसके द्वारा मेरे और आपके जीवन में ये आशीष मिली है, जिसके द्वारा हमारे जीवन में ये सांसें, ये जिंदगी मिली है। मैं प्रभु का धन्यवाद करना चाहती हूँ अपने जीवन के लिए, परमेश्वर का धन्यवाद करना चाहती हूँ जिसे प्रभु ने अपनी नज़दीकी में रखा और बहुत आयत से अपनी उपस्थिति को इस वर्ष में मेरे जीवन में प्रकट किया। प्रभु का धन्यवाद करना चाहती हूँ क्योंकि हमें ज़रूरी है कि हम अपने परमेश्वर का हर पल धन्यवाद करें, जैसे कि दाऊद कहते हैं कि मैंने तेरी बातों को बड़ी सभा में गुप्त नहीं रखा, मैंने बड़ी सभा में भी तेरा प्रचार किया। परमेश्वर ने अगर मेरे जीवन में काम किया और मैं उसे बोलने से चूक जाऊं तो फिर मेरा जीवन जो है वो व्यर्थ है। इसलिए ज़रूरी है हर समय मैं अपने परमेश्वर का बखान करती रहूं, अपने प्रभु का गुणगान करती रहूं, और जहां मौका मिले और जहां मौका ना भी मिले सब जगह मैं तैयार रहूं। वचन कहता है समय असमय वचन के प्रचार के लिए तैयार रहूं। अब वो समय है, अब वो क्षण है, अब वो अंतिम टाइम है जब मुझे और आपको हर समय तैयार रहना है, जब हमें हर समय प्रिपेयर्ड रहना है, जब हमें हर समय ये हमारे जीवन में ये तैयारी होनी चाहिए कि हमें जहाँ मौका मिले और जहाँ पे हमें ज़रूरी है वहाँ हम परमेश्वर के बारे में बोलने से, उसकी महिमा करने से ना चूकें, हम पीछे ना हटें, हम किसी भी रीति से उस जगह पे अपनी अपॉर्चुनिटी को ना खो दें। हम सब जानते हैं यीशु मसीह के जन्म के समय जो गढ़िए, जो उस योजना का हिस्सा बने, वहाँ पर लिखा हुआ है लूका की इंजील में यदि हम पढ़ते हैं तो वहां पर उन गढ़ड़ियों का जिक्र है और उन गढ़ड़ियों के बारे में ये बात साफ तौर से लिखी हुई है कि उन्होंने जाकर जब उन्होंने यीशु मसीह को देखा उसके बाद उन्होंने जो बातें देखी थी वो प्रकट की, उन्होंने वो बातें बताई और जिन लोगों ने उसको सुना, जो सुनने वाले थे उन्होंने उन बातों को सुनकर आश्चर्य किया। वो चूके नहीं, वो अपनी अपॉर्चुनिटी को जो उनको मिली थी उसको यूज करने से चूके नहीं, उन्होंने उस बात के बारे में बताया, उन्होंने उस बात का प्रचार किया। प्रभु का धन्यवाद हो, परमेश्वर का धन्यवाद हो, प्रभु की महिमा हो, मुझे और आपको भी चूकना नहीं है। परमेश्वर ने हमारी ज़िंदगी में काम किए हैं हम जानते हैं, प्रभु ने हमारी हर पल हमारी अगुवाई की है हम जानते हैं, प्रभु हमारा हाथ पकड़ के हमें चला रहा है हम उसका धन्यवाद करते हैं हम जानते हैं। इसलिए हमें ज़रूरी है ये बातें हम बताते रहें और हमारे मन में जो धन्यवाद वो अपनी कार्यों को, अपनी भलाई को दिखाकर भरता है, उसके लिए हम अपने परमेश्वर को महिमा देते रहें, उसकी स्तुति करते रहें, उसकी आराधना करते रहें और हर समय हम उसके गीत गाते रहें। अपने मन में, अपने हृदय में हम वो बातें बसाए रहें, धन्यवाद बसाए रहें, ताकि प्रभु की महिमा हमारी जीवन से होती रहे। परमेश्वर का धन्यवाद हो, हम एक वचन पढ़ेंगे और उसके बाद हम अपनी आराधना में जाएंगे, प्रभु की स्तुति करेंगे आज के इस अंतिम रविवार के लिए जो इस वर्ष का है। परमेश्वर के अनुग्रह से हमें मिला है, प्रभु ने हमें मौका दिया है, तो हम उस मौके को अपने जीवन में फलवंत करेंगे, उस मौके को अपने जीवन के लिए बेनिफिशियल बनाएंगे, अपने लिए लाभदायक बनाएंगे और प्रभु की स्तुति हम ऊंचे स्वर से करेंगे, हर बात को पीछे छोड़ते हुए, सब बातों को भूलते हुए और अपने आप को पूरा संपूर्ण रीति से अपने परमेश्वर के सम्मुख लाते हुए, क्योंकि वो हमारा 100% चाहता है। हम प्रभु का धन्यवाद करेंगे। हम पढ़ेंगे यशाया उसका 41 अध्याय और उसकी 9 और 10 आयत, और यहाँ पर इस प्रकार से लिखा है यशाया उसका 41st चैप्टर और उसकी 9th और 10th वर्स, और यहाँ पर इस प्रकार से लिखा है तू जिसे मैंने पृथ्वी के दूर दूर देशों से लिया और पृथ्वी की छोर से बुलाकर ये कहा है
तू मेरा दास है, मैंने तुझे चुना और तजा नहीं। मत डर क्योंकि मैं तेरे संग हूँ, इधर उधर मत ताक क्योंकि मैं तेरा परमेश्वर हूँ। मैं तुझे दृढ़ करूँगा और तेरी सहायता करूँगा, अपने धर्ममय हाथ से मैं तुझे संभाले रहूँगा। प्रभु का धन्यवाद हो, परमेश्वर की महिमा हो, प्रभु की स्तुति हो। सुंदर वचन के लिए, वचन में लिखा हुआ है, तू जो मेरा दास है, जिसे मैंने पृथ्वी पर के दूर दूर के देशों में से लिया और पृथ्वी की छोर से बुलाकर ये कहा, पृथ्वी की छोर में से, पृथ्वी के दूर दूर के देशों में से हमें परमेश्वर ने चुनकर अपने समीप आकर समीप आने का अवसर दिया। उसने हमें अपनी पवित्र ज्योति में बुलाया, उसने मुझे और आपको अपने पास लिया, अपनी समीपता में लिया, अपने उस नज़दीकी में, उसके उस जुरिस्डिक्शन में, उस बाड़े में हमें कलेक्ट किया, हमें रखा है। और लिखा हुआ है कि तू मेरा दास है, मैंने तुझे चुना है और तजा नहीं। मैंने तुझे चुना है, तजा नहीं, मैंने तुझे छोड़ा नहीं, मैंने तुझे चुना और फिर मैंने तुझे छोड़ा नहीं। मत डर क्योंकि मैं तेरे संग हूँ, इधर उधर मत ताक क्योंकि मैं तेरा परमेश्वर हूँ। मैं तुझे दृढ़ करूँगा और तेरी सहायता करूँगा। वो दो चीज़ें जो मुझे आपको बहुत आयत से जिनकी ज़रूरत है अपने अपनी ज़िंदगी में परमेश्वर की इच्छा के अनुसार चलने के लिए, उस दौड़ में दौड़ते रहने के लिए, परमेश्वर की सामर्थ की हमें दृढ़ता की जो प्रभु की ओर से मिलती है, उस सामर्थ की जो परमेश्वर की ओर से मिलती है, और उस सहायता की जिसके द्वारा हम संभले रहते हैं, हम खड़े रहते हैं, हमारी जिंदगी में वो चीजें अति आवश्यक हैं। और प्रभु का यहाँ पर वायदा है कि मैं तुझे दृढ़ करूंगा और तेरी सहायता करूंगा, अपने धर्म में दाहिने हाथ से मैं तुझे संभाले रहूंगा। डर मत, इधर उधर मत ताक, डोंट फियर, इधर उधर मत देख, इधर उधर मत देख। अपना फोकस, अपना जो कॉन्सेंट्रेशन है, अपनी जो आस है, अपनी जो उम्मीद है, अपनी जो आशा है, अपनी जो एक्सपेक्टेशन है, वो सही जगह लगा। अपनी एक्सपेक्टेशन, अपनी आशा, अपनी होप, अपनी आस, अपनी हर एक जो भी मुझे चाहिए वो मुझे उसकी ओर मुझे ताकना है, वो मेरा परमेश्वर है। मुझे उसकी ओर ताकना है, मुझे उससे मांगना है। और उसका वायदा है कि इधर उधर मत ताक, इधर उधर मत देख, तुझे इधर उधर देखने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि मैं तेरे संग हूँ, क्योंकि मैं तेरा परमेश्वर हूँ, मैं तुझे संभालूंगा। इस नए वर्ष में जब हम प्रवेश करने जा रहे हैं, इस नए वर्ष को जब प्रभु के अनुग्रह से हम अपने जीवन में पाने जा रहे हैं, वो कल का दिन जो हमने क्रिसमस के रूप में मनाया, हमने सेलिब्रेशन किया, प्रभु का धन्यवाद हो उस महान बलिदान के लिए जिसको उसने मेरे और आपके जीवन में दिया, और वो बलिदान मेरे और आपके जीवन में देकर उसने हमारा स्टेटस बदल दिया, उसने हमें कहां से कहां पहुंचा दिया। हम जो पापों के कारण मरे हुए थे, आज हम स्वर्गीय स्थानों में उसके साथ जगह पाए हैं, हम परमेश्वर के पुत्र बने, हम जो स्लेव्स थे, हम जो दास थे, उन्हें प्रभु ने अपने पुत्र होने का अधिकार दे दिया। अपने इकलौते पुत्र को हमारे लिए देकर, हमारे लिए उसको भेजकर उसने हमें पुत्र होने का अधिकार दिया है, उसने हमें पुत्र बना लिया है। हमें वो जो स्टेटस अपडेट मिला है, हमें उसे अपने जीवन में फ्रूटफुल करना है, हमें परमेश्वर में बने रहना है, उसमें बढ़ते रहना है, और आने वाला वर्ष जो है वो परमेश्वर की योजना को जानने का, उसकी गहराई में जाने का, और परमेश्वर को अपने जीवन में बहुत आयत से काम करने देने का वर्ष हो। समय हमारे पास कम है, बहुत कम समय है, हमारे नींद से जाग उठने की घड़ी आ पहुंची है। वी डोंट हैव टाइम टू स्लीप, हर समय जागते रहना और प्रभु के उस दिन की तैयारी में लगे रहना, वो दिन जो फंदे के समान संसार पर आ पड़ेगा, लेकिन मेरे और आपके लिए प्रिपेयर्ड रहना ज़रूरी है ताकि वो हम पर भी, उस जैसा उसका वचन कहता है कि कहीं वो दिन तुम पर भी अचानक फंदे के समान ना आ पड़े, जैसे पृथ्वी के बाकी सब लोगों पर, सब रहने वालों पर आ पड़ेगा। तो सबके सब ऊपर तो वो समय वैसे ही आएगा, ये फिक्स्ड है, पर हम पे वैसे ना आ पड़े, इसलिए हमें हर समय सावधान रहना है, हमें हर समय जागते रहना है, हमें हर समय तैयार रहना है, हमें ऊँगना नहीं है, हमें सोना नहीं है, हमें ढीला नहीं पड़ना है, हमें लगे रहना है। प्रभु का धन्यवाद हो, आइए हम उसकी आराधना करें, उसकी स्तुति करें, उसके नाम को धन्यवाद दें, उसके नाम को आदर दें। हर समय हमारे जीवन में अद्भुत कार्य करने वाला हमारा परमेश्वर, अपनी महिमा को हमारे जीवन में प्रकट करने वाला हमारा परमेश्वर, हर समय वो हमारी सहायता के लिए तत्पर है। प्रभु का धन्यवाद हो, परमेश्वर का धन्यवाद हो, उसकी स्तुति हो। थैंक यू जीसस, धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु, थैंक यू।
जीसस, धन्यवाद यीशु। थैंक यू जीसस, धन्यवाद यीशु। थैंक यू जीसस, धन्यवाद यीशु। धन्यवाद हो पिता, धन्यवाद हो पिता। थैंक यू जीसस, धन्यवाद यीशु। मांगो
के लिए पिता इस समय हम इकट्ठे हैं पिता, दिल से आपका धन्यवाद करना चाहते हैं पिता। धन्यवाद राजा, धन्यवाद पिता, हमारे जीवन की हर एक भरपूरी के लिए, आपकी योजना को हमारे जीवन में पूरा करने के लिए पिता परमेश्वर, हर पल हमारा हाथ पकड़ कर हमें चलाने के लिए, हमारा मार्गदर्शन करने के लिए पिता मैं आपका धन्यवाद करती हूँ। मैं आपका धन्यवाद करती हूँ राजा, हमसे इतना प्रेम करने के लिए आपका धन्यवाद हो, आपका धन्यवाद हो, आपका धन्यवाद हो। धन्यवाद राजा, धन्यवाद पिता, धन्यवाद यहोवा, धन्यवाद हो यीशु, धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु, थैंक यू जीसस, थैंक यू जीसस, धन्यवाद यीशु। पाता
हैं पिता, धन्यवाद राजा, धन्यवाद ओ परमेश्वर, धन्यवाद पिता, धन्यवाद धन्यवाद इस सुंदर समय के लिए पिता। धन्यवाद करते हैं आपके महान अनुग्रह के लिए जो आपने हमारे जीवन पर दर्शाया पिता, और हमें से हरी को चुनकर पिता आपने समीप आने का अवसर दिया, अपनी महिमा को करने के लिए पिता आपने हमें चुना। मैं आपका धन्यवाद करती हूँ, मैं आपका धन्यवाद करती हूँ पिता परमेश्वर, क्योंकि आपका हर एक कार्य अनोखा है, आपका चुनाव भी अनोखा है पिता। हम जो किसी भी प्रकार से योग्य नहीं थे, जो मूर्ख थे पिता, जो संसार में पिता परमेश्वर बहुत निर्बल थे पिता, जिन्हें पिता परमेश्वर कोई भी आशा नहीं थी पिता, उनको तूने चुन लिया कि वो तेरी महिमा करें। मैं आपका धन्यवाद करती हूँ, मैं आपका धन्यवाद करती हूँ पिता कि आपने जगत के मूर्खों को चुन लिया कि वो ज्ञानवानों को लज्जित करें पिता, आपने निर्बलों को चुन लिया कि वो बलवानों को लज्जित करें पिता। धन्यवाद करते हैं पिता हर एक बात के लिए, आपका धन्यवाद करते हैं। ये आपकी अद्भुत कृपा, ये आपकी अद्भुत अनुग्रह के द्वारा हमारे जीवन में संभव हुआ है, और ये जीवन जो आपने हमें दिया है पिता, आपने जो हमें संभाला है, आपने जो हमारी सुरक्षा की है, आपने जो हमें सांसें दी हैं, आपने जो हमें जीवन दिया है पिता, उन्हें दीजिए पिता परमेश्वर। आपकी दया, आपके अनुग्रह को हम अपने जीवन में पिता परमेश्वर ऊंचा स्थान देने वाले हों, और इस जीवन को पिता हर एक रीति से आपके कार्यों के लिए यूज करने वाले हों पिता। ओ पिता परमेश्वर, हमारे ऊपर हमारा नहीं परंतु आपका कंट्रोल हो पिता, आपका कंट्रोल। मैं हम में से हर एक के जीवन पे पिता परमेश्वर आपसे प्रार्थना करती हूँ, आप खींचे पिता, आप अपना कंट्रोल रखिए पिता, हमारे कंट्रोल को हमारे ऊपर से लूजन करिए पिता परमेश्वर, और अपने कंट्रोल में चलाइए, अपने मार्गदर्शन में चलाइए पिता, क्योंकि हमें उसकी जरूरत है, क्योंकि हमें उसकी आवश्यकता है। ओ पिता परमेश्वर, हम निर्बल हैं, आपकी सहायता, आपकी सामर्थ्य, आपके कंट्रोल में पिता, आपके अधीन रहकर हम इस संसार में बने रहते हैं पिता, हमें संसार और इसकी हर एक वस्तु पे जयवंत होते हैं पिता परमेश्वर। मैं आपका बहुत धन्यवाद करती हूँ उस महान प्रेम के लिए जो आपने हमें से हर एक से किया, और हमें अपने पुत्र होने का, अपनी संतान होने का अधिकार दिया पिता परमेश्वर। ओ पिता परमेश्वर, धन्यवाद हो आपका, धन्यवाद हो आपका, धन्यवाद हो हमारे लिए सब कुछ आसान करने के लिए, हमारी सुधि लेने के लिए। हम जो पिता परमेश्वर कुछ जो कुछ हम कंट्रोल नहीं कर सकते थे, उन सारी चीज़ों पे हमें जयवंत करने के लिए आपका धन्यवाद हो, अपनी योजना का हिस्सा बनाने के लिए आपका, हमारे जीवन में आपका धन्यवाद हो पिता। हर एक बात के लिए मैं आपका धन्यवाद करना चाहती हूँ, और इस शाम में पिता, ओ पिता परमेश्वर, जब आपने हमें अवसर दिया है और हम वचन को पढ़ते हैं पिता, उन्हें दीजिए ये वचन हमें से हर एक के जीवन में पिता परमेश्वर हर उस कमी को उजागर कर सके, हर उस कमी को पिता अपनी ज्योति से, हर उस अंधकार को अपनी ज्योति से प्रकाश मान कर सके पिता, जो आप पिता परमेश्वर हमारे जीवन में देखते हैं पिता परमेश्वर। ओ पिता परमेश्वर, हमारी सहायता कीजिए कि हम पिता परमेश्वर अपने आप को जांचें, अपने अंदर की कमियों को माने पिता परमेश्वर, उनका अंगीकार करें पिता, और पिता परमेश्वर, ओ पिता परमेश्वर, उन्हें आपके सामने रख दें, क्योंकि आप हमसे हमारा कंप्लीट सेल्फ चाहते हैं, आप हमसे हमारा पूर्ण सब कुछ चाहते हैं पिता। हमारी कमियां भी तो आपने मांगी हैं, आपने कहा है कि वो भी मेरे पास लेकर आओ, मैं तुम्हें विश्राम दूंगा, उनको भी मुझे दे दो, वो अपना सारा बोझ मुझे दे दो, अपनी सारी चिंताएं, अपनी सारी निर्बलता, अपनी सारी कमजोरियां मुझे दे दो। मैं आपका धन्यवाद करती हूँ हमसे प्रेम करने के लिए, और इतना प्रेम करने के लिए पिता, धन्यवाद हो आपका, धन्यवाद हो हमारी निर्बलताओं में पिता, हमारे साथ दुखी होने के लिए यीशु राजा, आपका धन्यवाद हो, आपका धन्यवाद हो, आपका धन्यवाद हो। हमें जहरे को स्थिर कीजिए, अगुवाई कीजिए इस वचन के द्वारा, हमें जहरे से बातचीत कीजिए, और पिता परमेश्वर होने दीजिए जब हम एक नए वर्ष में प्रवेश करने जा रहे हैं पिता, आपके अनुग्रह के द्वारा। ओ पिता, जब हम उस दिन को देखते हैं, उस नए वर्ष के पहले दिन में हम प्रवेश करते हैं पिता, हमें से हर एक जन आपकी योजना के द्वारा, आपकी योजना के द्वारा चलायमान हो पिता, और आपकी योजना को अपने जीवन में पूरा करने का संकल्प लेके, उसके अनुसार चलने का संकल्प लेके उस वर्ष में प्रवेश करने वाला हो। वो भले कार्य जिनके लिए आपने हमें सृजा है पिता, जिन कार्यों को आपने हमारी सृष्टि से पहले से तैयार किया है पिता परमेश्वर, उनको करने के लिए हमें से हर एक जन के अंदर एक जील हो, हमारे अंदर एक उत्साह हो पिता परमेश्वर, हमारे अंदर आपकी शांति और आपका आनंद हो, और हमें से हर एक जन विश्वास में स्थिर हो, धीरज से परिपूर्ण हो पिता परमेश्वर, और आपके आने की बाट जोने के लिए तैयारी करने वाला हो पिता परमेश्वर। धन्यवाद, आदर और महिमा आपको देते हुए प्रार्थना को आपके प्यारे बेटे खुदा यीशु मसीह के नाम से होकर मांगती हूँ। आमीन।
जीसस धन्यवाद यीशु। परमेश्वर का धन्यवाद हो, प्रभु का धन्यवाद हो इस समय के लिए जो प्रभु की ओर से हमें मिला। परमेश्वर का धन्यवाद हो थोड़ा लेट हम शुरू कर पाए, प्रभु का धन्यवाद हो फिर भी उसने हमें मेरी सहायता करी कि हम सब आपस में जुड़ सकें और सब कुछ ठीक तरीके से हमारे बीच में हुआ ताकि हम कनेक्ट हो सकें, हम आपस में संगति कर सकें और प्रभु को महिमा दे सकें, क्योंकि परमेश्वर की इच्छा के बिना हमारे जीवन में कुछ भी संभव नहीं हो सकता। हम चाहें भी हम सारी प्लानिंग कर लें, हम बहुत प्लानिंग करते हैं, हम बहुत टाइम वेस्ट करते हैं अपना, सचमुच हम बहुत टाइम वेस्ट करते हैं अपना, क्योंकि वो टाइम जो हमें सही, जो हमें उन कार्यों के लिए लगाना चाहिए जिनके लिए प्रभु ने हमें सृजा है, जिनके लिए उसने मुझे और आपको एक नया क्रिएशन बनाया है, उसने हम उसके हाथों के कार्य हैं, हम उसके हाथों के बनाए हुए हैं, उसका वचन कहता है हम उसके हाथों के बनाए हुए और उन भले कार्यों के लिए सृजे गए हैं जिन्हें उसने हमारे करने से जिसे उसने हमारे करने के लिए पहले से तैयार किया, उन कार्यों के लिए मैं और आप सृजे गए हैं। वो कार्य करने के लिए हमें अपना टाइम यूटिलाइज करना है, तभी तो हमारा जीवन फ्रूटफुल होगा, तभी तो यीशु मसीह की देह को महिमा मिलेगी। उसकी देह के अलग अलग अंग हैं और उन अलग अलग अंगों के अलग अलग कार्य हैं, और जब हर एक अंग अपना कार्य ठीक तरीके से करता है तो यीशु मसीह की देह को उन्नति मिलती है, उसको महिमा मिलती है। अगर एक भी अंग अपना कार्य ठीक तरीके से नहीं करे तो पूरी देह जो है वो महिमा नहीं पाएगी, पूरी देह जो है वो उन्नति नहीं पाएगी। इसलिए हमें ज़रूरत है हमें से हर एक को जो यीशु मसीह की देह का हिस्सा है, जो उसमें एक नया क्रिएशन है, जिन्हें उसने चुन लिया और संसार से अलग कर लिया और अपनी समीपता में अपनी ज्योति में बुलाया और अपने उन पापों से धो के उन पापों से शुद्ध करके अपने पास रखा है, अपने 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 समीप बुलाया है, हर एक उस मनुष्य के लिए अनिवार्य है कि वो अपने कार्य को ठीक तरीके से करे ताकि उस देह को महिमा मिल सके। हमारा लक्ष्य, हमारा एम यही है, हमारा गोल यही है कि हम यीशु मसीह की देह को महिमा दिला सके। मेरा और आपका जो गोल है वो परमेश्वर की योजना को अपने जीवन से पूरा करना है, क्योंकि जब हम उसकी योजना को पूरा करने के लिए अपने अपनी सोच विचार अपनी सामर्थ्य सब कुछ लगा देते हैं तो प्रभु भी हमारे जीवन में अपने वायदों को पूरा करते जाते हैं और हम उनके वायदों को अपनी आँखों से पूरा होते हुए देखते हैं और धन्यवाद से भरे रहते हैं। प्रभु का धन्यवाद हो, परमेश्वर का धन्यवाद हो, प्रभु की महिमा हो। तो हम सब जानते हैं कि हमारा जीवन जो है वो बहुत मुश्किलों से भरा हुआ और हमसे यीशु मसीह ने स्वयं कहा, हम सब जानते हैं कि संसार में तुम्हें क्लेश होगा परंतु ढांढस बांधो, मैंने संसार को जीत लिया है। हर एक मसीही का जीवन, हर एक यीशु मसीह में एक नई सृष्टि का जीवन, हर एक यीशु मसीह की आज्ञा के अनुसार चलने वाले का जीवन, हर एक विश्वासी का जीवन कठिन है संसार में, ये बात फैक्ट है। इस बात से कोई भी मुकर नहीं सकता, इस बात को कोई भी डिनाई नहीं कर सकता कि ये सच्चाई है कि मनुष्य उस मनुष्य का जो परमेश्वर की इच्छा के अनुसार चलता है उसका संसार में रहते हुए जीवन जो है वो मुश्किल है। ये बात इतनी बार यीशु मसीह ने खुद से कही और यीशु मसीह का जीवन हम सबके सामने एग्जाम्पल है। पौलुस का जीवन, जो उनके चुने हुए थे, उनका जीवन हम सबके सामने एग्जाम्पल, यीशु मसीह के हर एक, परमेश्वर के हर एक चुने हुए जन का जीवन हमारे सामने एग्जाम्पल है। हम उससे एक उदाहरण ले सकते हैं कि किस प्रकार से हर एक वो मनुष्य जो प्रभु की इच्छा के अनुसार चलता है, उसकी आज्ञाओं को अपने जीवन में मानता है, उसका जीवन मुश्किलों से, बहुत सारी परेशानियों से, बहुत सारी सर्कमस्टांसेस से, क्लेशों से, तकलीफों से भरा हुआ होता है। संसार में रहते हुए उसे आराम नहीं मिलता, परंतु बहुत ही सुंदर बात है कि संसार जो है और संसार की जो चीज़ें हैं और संसार में जो कुछ हो रहा है वो टेम्पररी है, वो हमेशा के लिए नहीं है, परंतु जो हमेशा के लिए है वहाँ मेरे और आपके लिए बेहद आराम है। वहाँ हर उस मनुष्य के लिए जो उसकी इच्छा के अनुसार यहाँ चलता है, यहाँ उसे आराम भले ही ना मिले, यहाँ उसे इम्पोर्टेंस भले ही ना मिले, यहाँ उसे वो स्थान भले ही ना मिले, लेकिन उसके लिए स्वर्ग में बहुत बड़ा प्रतिफल है। परमेश्वर का वचन कहता है कि परमेश्वर ऐसा न्याय नहीं कि वो उन कार्यों को भूल जाए, उन कामों को भूल जाए जो तुमने उसके लिए, उसके लोगों के लिए, उनकी सेवा के लिए की हैं, उसकी सेवा करने के लिए किए हैं। मेरा और आपका परमेश्वर याद रखने वाला परमेश्वर है, वो मेरे और आपकी हर एक उस बात को, हर एक उस कार्य को जो हमने उसके लिए किया है, जो हमने उसको महिमा दिलाने के लिए किया है, उसकी योजना के अनुसार किया है, उसको याद रखने वाला परमेश्वर है। तो संसार में रहते हुए हमें
बहुत सारा क्लेश, बहुत सारी परेशानियां हैं, बहुत सारी समस्याएं हैं, परंतु हमें एक रिस्पॉन्सिबिलिटी है और वो रिस्पॉन्सिबिलिटी ये है, हर एक उस मसीही को, हर एक परमेश्वर के चुने हुए को, हर एक विश्वासी को ये रिस्पॉन्सिबिलिटी दी गई है, ये कमीशन किया गया है कि उन सर्कमस्टांसिस में, उस अंधकार में जो इस संसार में भरा हुआ है, उस अंधकार में मुझे और आपको यीशु मसीह की ज्योति को रिफ्लेक्ट करना है, हमें शाइन करना है, डार्कनेस के अंदर शाइन करना है, हमारे जीवन से वो तेज रिफ्लेक्ट होना चाहिए, वो शाइन रिफ्लेक्ट होनी चाहिए उस अंधकार में, उन लोगों के बीच में जो हमें घेराना चाहते हैं, जो हमें 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 तोड़ना चाहते हैं, हमें तकलीफ पहुँचाना चाहते हैं। मेरा और आपका काम है उनके बीच में यीशु मसीह के प्रकाश को लेके जाना, यीशु मसीह के स्वभाव को रिफ्लेक्ट करना, यीशु मसीह की बातों को रिफ्लेक्ट करना। ये कार्य मुझे और आपको सौंपा गया है। अगर हम पढ़ते हैं, पौलुस इस प्रकार से कहते हैं, अगर हम पढ़ते हैं फिलिप्पियों उसका 4 अध्याय, तो वहाँ पर इस प्रकार से लिखा हुआ है, फिलिप्पियों उसका 2 अध्याय और उसकी 14 आयत में लिखा है, सब काम बिना कुड़कुड़ाए और बिना विवाद के किया करो, ताकि तुम निर्दोष और भोले होकर टेढ़े और हटीले लोगों के बीच परमेश्वर की निष्कलंक संतान बने रहो, जिनके बीच में तुम जीवन का वचन लिए हुए जगत में जलते दीपकों के समान दिखाई देते हो। ये हमारा जो परसोनिफिकेशन है वो ये होना चाहिए। उस अंधकार में जहाँ पूरे सब जगह अंधकार है, जिस दुनिया में सब जगह अंधकार फैला हुआ है, वहाँ मैं और आप परमेश्वर का जो वचन लिए हुए हैं, जो प्रभु के वचन के अनुसार, मतलब जो परमेश्वर के वचन के अनुसार चल रहे हैं, जो उसकी आज्ञाओं पर चल रहे हैं, जो उस वचन के अनुसार चल रहे हैं, जो उस वचन को अपने जीवन में फॉलो कर रहे हैं, वो उस जलते दीपकों के समान दिखाई देते हैं, वो जलते दीपकों के समान दिखाई देते हैं। लिखा है, जगत में जलते दीपकों के समान दिखाई देते हो, टेढ़े और हटीले लोगों के बीच में, दुनिया से में अंधकार से भरे हुए लोगों के बीच में, वो लोग जो परमेश्वर को जानते तो हैं परंतु उसकी परंतु उस पर विश्वास नहीं करते, उसकी इच्छा के अनुसार चलना नहीं चाहते। रोमियो उसका 1 अध्याय पढ़ते हैं तो उन लोगों के बारे में हम पढ़ते हैं, और वहां पर साफ तरीके से लिखा है कि जब उन्होंने परमेश्वर को पहचानना ना चाहा, जब उन्होंने प्रभु को जानना ना चाहा, तो परमेश्वर ने भी उनको उनके हटीले मन पर छोड़ दिया कि वो अपनी इच्छा के अनुसार कार्य करें। तो उन लोगों के बीच में, उस संसार के बीच में, वो लोग जो प्रभु की इच्छा के अनुसार चल रहे हैं, जो परमेश्वर का वचन लिए हुए हैं, जो परमेश्वर के वचन को फॉलो कर रहे हैं, वो जलते दीपकों के समान दिखाई देते हैं। ये हमारा पर्सोनिफिकेशन है, ये हमारी इमेज है, ये हमें होना चाहिए, ये वो गोल है जहाँ तक मुझे और आपको पहुँचना है, उन टेढ़े और हटीले लोगों के बीच में, उन नेगेटिव लोगों के बीच में, उस डार्कनेस में, उस अंधकार में, मैं और आप जो परमेश्वर के वचन के अनुसार चल रहे हैं, जो प्रभु का वचन लिए हुए हैं, उन्हें जलते दीपकों के समान दिखाई देना चाहिए। संसार उन्हें देखे और यीशु मसीह की ज्योति उनसे ले, हमारे जीवन से वो ज्योति रिफ्लेक्ट करनी चाहिए, परंतु हमारे जीवन में पहले वो ज्योति खुद से होना जरूरी है। और परमेश्वर का वचन कहता है, इफिसियों के 2 अध्याय में यदि हम पढ़ते हैं कि हम तो अपने पापों के कारण मरे हुए थे, परंतु ये हमारे परमेश्वर का धन्यवाद हो जो दया का धनी है, उसने हमें अपने ये पुत्र के साथ जिलाया और स्वर्गीय और उसके साथ उठाया और स्वर्गीय स्थानों में उसके साथ बिठाया। उसने हमारे जीवन में ये सब कुछ किया, हमारा स्टेटस उसने अपडेट किया, उसने हमें अपना पुत्र बना लिया अपने दास से। हम जो दास थे, हम जो स्लेव्स थे, हम जो व्यवस्था के अनुसार चलते थे, हम जो व्यवस्था से बंधे हुए थे, और वचन कहता है कि अगर व्यवस्था का कोई भी एक काम पूरा करने में कोई चूक जाए तो वो शापित है। हम व्यवस्था से बंधे हुए थे, परंतु यीशु मसीह ने, परमेश्वर ने समय पूरा होने पर अपने पुत्र को भेजा कि वो उन लोगों को, उन व्यवस्था के अधीन लोगों को, वो उससे उन व्यवस्था के अधीन लोगों को छुड़ा ले, उनको छुड़ा ले, उनको मोल लेकर छुड़ा ले, उनका प्राइस पे कर उन्हें छुड़ा ले, और हमें मुक्ति मिली, हमें आजादी मिली, हमारा स्टेटस अपडेट हुआ। अब मैं और आप जो हैं उसकी ज्योति में हैं। उसने पर उसका वचन कहता है, अगर हम देखते हैं पहला पत्रस की 1 पत्री में इस प्रकार से लिखा हुआ है, प्रभु का धन्यवाद हो, परमेश्वर का धन्यवाद हो।
थैंक यू जीसस, धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु। पहला पत्रस उसके 2 अध्याय में लिखा है और उसकी 9 आयत में, पर तुम एक चुना हुआ वंश और राजपदधारी, याजकों का समाज और पवित्र लोग और परमेश्वर की निज प्रजा हो, इसलिए कि जिसने तुम्हें अंधकार में से अपनी अद्भुत ज्योति में बुलाया है उसके गुण प्रकट करो। उसने क्या किया है हमें? उसने अपनी ज्योति में बुलाया है, उसने अपनी ज्योति में हमें बुलाया है, हमें संसार के अंधकार में से खींच कर उसने अपनी ज्योति में बुलाया है। और वो ज्योति अब मेरे अंदर है, वो ज्योति मेरे अंदर उसके द्वारा आई है। जब कोई स्थान ज्योति में होता है, जब कोई स्थान अंधकार में होता है और वहां ज्योति की किरण पड़ती है, तो वो स्थान में अंधकार नहीं होता, वहां पर ज्योति ही होती है। दोनों में से एक ही चीज रह सकती है, दोनों में से एक ही चीज एक टाइम पे रह सकती है, या तो अंधकार या तो ज्योति। तो उसने हमें बुलाया और उसने हमें अपने पास बुलाया, अपनी ज्योति में बुलाया, और मुझे और आपको अपनी नजदीकी में खींच लिया। अब हम उसकी ज्योति में चलना चाहिए, अब हमें उसकी ज्योति में चलना है, अब हम उसके साथ साथ चलना है, उसके साथ सहभागिता रखनी मेरे और आपके लिए ज़रूरी है। उसके साथ सहभागिता रखने के लिए क्या ज़रूरी है? हम अंधकार के अनुसार ना चलें, क्योंकि यहुन्ना की पत्री में इस प्रकार से लिखा हुआ है, पहला यहुन्ना की पत्री में इस प्रकार से लिखा है कि यदि हम कहें कि हम ज्योति में चलते हैं और अंधकार के काम करें, तो फिर हम झूठ बोलते हैं। और हमें चाहिए कि जैसा वो ज्योति में चलता था वैसे हम भी ज्योति में चलें, तब हम उसके साथ सहभागिता रखते हैं। हम उसके साथ सहभागिता रखने के लिए, उसके साथ वो रिलेशनशिप मेंटेन करने के लिए हमें उसके साथ चलना है, हमें उसके साथ चलना है। और जब हम उसके साथ चलेंगे तो वो ज्योति हमारे अंदर से रिफ्लेक्ट करेगी। बहुत ही सुंदर एग्जाम्पल है, बहुत सुंदर एग्जाम्पल नूह का है। नूह का जीवन जो था, उनके विषय में कुछ चीज़ें लिखी हुई हैं। वो जो जगह थी जिस जो हम जानते हैं, परमेश्वर ने कहा कि वो उस पूरी दुनिया को, पूरी पृथ्वी को नाश कर देगा। परंतु नूह के विषय में लिखा हुआ है, अगर हम पढ़ते हैं उत्पत्ति उसका 6 अध्याय और उसकी 8 आयत, तो वहाँ पर लिखा है, परंतु यहोवा के, अगर हम उससे थोड़ा सा ऊपर से पढ़ें, 7 आयत से, तब यहोवा ने कहा, मैं मनुष्य को जिसकी मैंने सृष्टि की है पृथ्वी के ऊपर से मिटा दूंगा। क्या मनुष्य, क्या पशु, क्या रेंगने वाले जंतु, क्या आकाश के पक्षी, सबको मिटा दूंगा, क्योंकि मैं उनके बनाने से पछताता हूँ। क्योंकि वो लोग जो थे, वो दुनिया जो थी, वो संसार के जो लोग जो थे, वो अंधकार से भरे हुए थे, वो पापों में घिरे हुए थे, और परमेश्वर यहाँ तक उन तक उनसे उकता गए, इतना ज़्यादा परेशान हो गए कि उन्होंने कहा कि मैं इन सबको नष्ट कर दूंगा, इन सबको ख़त्म कर दूंगा। और लिखा हुआ है कि परमेश्वर ने कहा कि मैं इनको बनाने से पछताता हूँ, आई रिग्रेट। कोई रिग्रेट कब करता है? जब चीज़ें विपरीत हो जाएं। उसने उसको किसी और चीज़ के लिए, परमेश्वर ने हमें किसी और चीज़ के लिए बनाया था और हम कुछ और बन गए, लोग कुछ और बन गए, संसार कुछ और बन गया, तो परमेश्वर का यहाँ पर कह रहे हैं कि मैं उनको बनाकर पछताता हूँ। परंतु बहुत ही सुंदर बात अगली आयत 8 आयत में लिखी है, परंतु यहोवा के अनुग्रह की दृष्टि नूह पर बनी रही। यहोवा के अनुग्रह की दृष्टि नूह पर बनी रही। और उसके आगे अगर हम 9 आयत में पढ़ते हैं तो नूह की वंशावली क्या है? नूह धर्मी पुरुष और अपने समय के लोगों में खरा था, और नूह परमेश्वर ही के साथ साथ चलता रहा। ये है परमेश्वर से सहभागिता रखना, ये है प्रभु का से सहभागिता रखना, जिसके विषय में हम बात कर रहे हैं, जिसके विषय में हम देख रहे हैं कि हम उससे सहभागिता रखना ज़रूरी है, हमें उससे सहभागिता रखना ज़रूरी है, हमें उसके साथ संगति रखना, उसके जैसा बनना ज़रूरी है। वो सहभागिता, वो वॉक जो है, वो साथ चलना जो है, वो नूह के जीवन का हिस्सा था। और इसीलिए ऐसे डार्क माहौल में, ऐसी डार्कनेस से भरे हुए संसार में परमेश्वर की अनुग्रह की दृष्टि नूह पर बनी रही। नूह उस पूरे संसार में, उस अंधकार से भरे हुए संसार में एक ज्योति के समान, एक लाइट के समान चमक रहे थे, अलग से। परमेश्वर की दृष्टि में जहाँ संसार में अंधकार था, वहाँ नूह जो था वो लाइट को रिफ्लेक्ट कर रहे थे, वो चमक रहे थे। उनका जीवन संसार से अलग था, वो संसार से अलग थे, उन लोगों से जिनको परमेश्वर नाश करना चाहते हैं उनसे अलग थे, उनसे कुछ डिफरेंट था उनके जीवन में। और वो ये था कि वो धर्मी पुरुष और अपने समय के लोगों में खरा और परमेश्वर के साथ साथ चलता था, प्रभु के साथ साथ चलता था। वो परमेश्वर का भय मानते थे, वो उनका विश्वास, हम पढ़ते हैं अगर इब्रानियों की पत्री में और उसके 11 अध्याय में, तो हम देखते हैं नूह के विश्वास के बारे में लिखा हुआ है। बहुत ही सुंदर आयत वहाँ पर लिखी है, इब्रानियों उसका 11 अध्याय
और हम उसकी 7 आयत यदि पढ़ते हैं, लिखा है, विश्वास ही से नूह ने उन बातों के विषय में जो उस समय दिखाई ना पड़ती थी, चेतावनी पाकर भक्ति के साथ अपने घराने के बचाव के लिए जहाज बनाया और उसके द्वारा उसने संसार को दोषी ठहराया और उस धर्म का वारिस हुआ जो विश्वास से होता है। ये फेथ, ये विश्वास मेरे और आपके जीवन का हिस्सा होना चाहिए, क्योंकि परमेश्वर का वचन कहता है इब्रानियों 10 में, मेरा धर्मी जन विश्वास से जीवित रहेगा। जीवित रहने के लिए, संसार में सर्वाइव करने के लिए वी हैव टू पोर्ट्रे दिस फेथ। हमें विश्वासी होना ज़रूरी है, और विश्वासी होने का मतलब ये नहीं कि हम कहें कि हम विश्वासी हैं। हम विश्वासी हैं, विश्वास हमारी एक्टिविटीज से रिफ्लेक्ट करना चाहिए, हमारे कार्यों से, वो विश्वास, वो आशा जो हम रखते हैं अपने परमेश्वर से कि वो हमें लेने के लिए आएगा, वो हमारे कार्यों से रिफ्लेक्ट करना चाहिए। विश्वास हमारा जो है वो हमारे कामों से रिफ्लेक्ट करना चाहिए। धर्मी पुरुष ये नूह, इनका जीवन जो है, इनके कार्य जो है, इनका विश्वास दिखा रहे हैं जो दुनिया नहीं मान सकती, जो उस समय तक कभी हुई नहीं थी उन बातों को, क्योंकि प्रभु ने कहा, क्योंकि परमेश्वर ने कहा, उन्होंने लिया और ओबीडियंट बने रहे। प्रभु ने जो कहा उसको पूरा किया, प्रभु ने जो कहा उसको माना और मानकर, विश्वास कर उसको एक्सरसाइज किया, उसको एक्टिविटी में लाए, उसको इफेक्ट में लाए, और उन्होंने अपने आप को संसार से अलग ठहराया। मेरे और आपके जीवन में अब जब हम एक नए वर्ष में प्रवेश करने जा रहे हैं, मेरा और आपका परमेश्वर चाहता है, क्योंकि उसने हमें अपनी ज्योति में बुलाया है, वो चाहता है कि हम प्रकाशमान हों। यीशु मसीह जो था वो इस संसार में जब आया तो जकरिया के स्तुति गान में, अगर हम पढ़ते हैं लूका उसके 2 अध्याय में उसका जिक्र है, लूका की इंजील में और उसके पहले अध्याय में उसका जिक्र है, और वहाँ पर हम देखते हैं कि उसकी 78वीं आयत 78 आयत में लिखा हुआ है, वो हमारे पापों की उस बड़ी करुणा से होगा जिसके कारण ऊपर से हम पर भोर का प्रकाश उदय होगा। वो कंप्लीट डार्कनेस की बात, वो कंप्लीट डार्कनेस जो संसार में फैली हुई थी, यीशु मसीह का आना जो था वो भोर के प्रकाश के रूप में था। जब डॉन आता है उससे पहले डार्केस्ट नाइट होती है, और वो भोर का प्रकाश जब चमका उससे पहले घोर अंधियारा था, परंतु उस प्रकाश की पहली किरण जो यीशु मसीह था संसार में लेकर के आया, और वो चाहता है वही प्रकाश, वही लाइट मैं और आप इस संसार में, इस डार्कनेस में फैलाएं, उसकी लाइट फैलाएं। जिस प्रकार से नूह ने अपने जीवन में उसको दिखाया, जिस प्रकार से उसने अपने आप को संसार और संसार के लोगों से अलग दिखाया, और परमेश्वर की अनुग्रह की दृष्टि ऐसे समय में भी जब वो संसार को नाश करने की सोच रहा है उस पर बनी रही, नूह पर बनी रही। क्यों? क्योंकि उसने अपने आप को अलग पोर्ट्रे किया, क्योंकि वो संसार में डार्कनेस में अलग चमक रहा था, उसके अंदर वो लाइट रिफ्लेक्ट कर रही थी, जिसकी वजह से उसने वो अनुग्रह पाया अपने जीवन में, और परमेश्वर को वो पसंद आया, और परमेश्वर ने उसके प्राणों को, उसके पूरे परिवार को बचाया। मेरे और आपके लिए आज के समय में, हम जानते हैं हम कितने अनप्रेडिक्टेबल समय में रह रहे हैं, जब संसार जो है वो नाश होने को, और बाइबल की हर एक प्रोफेसी जो है वो पूरी होने को है। बाइबल में जो कुछ लिखा गया है, जो बातें लिखी गई हैं, वो सब पूरी होने को हैं, और वो पूरी होंगी, ये बात हम जानते हैं। और ये सब जानने के बाद भी यदि हम इसके अनुसार चले ना, यदि हम इन बातों को अपने जीवन में मानते हुए इनके अनुसार कार्य ना करें, तो इनको जानने का कोई फायदा नहीं है, इनको जानने से हमारा कोई लाभ नहीं होने वाला है। अगर हम जानते हैं, अगर हम इन बातों को समझते हैं, तो हम उनके अनुसार कार्य करें, तभी तो हमारा जो जीवन है, हमारे जो कार्य हैं, हमारी जो जिंदगी है, वो परमेश्वर के लिए परमेश्वर की महिमा का कारण बन सकेगी। हमें ज़रूरी है इस आने वाले वर्ष में, जिसमें प्रभु अपने अनुग्रह के द्वारा मुझे और आपको जीवन देकर प्रवेश कराने जा रहा है, एक नया वर्ष दिखाने जा रहा है, वो साल जो बीता उसमें हमने बहुत सारी अनप्रेडिक्टेबिलिटी देखी है, परंतु प्रभु का अनुग्रह हम पे हुआ और हम जीवित हैं, हम परमेश्वर में होकर एक नए वर्ष में प्रवेश करने जा रहे हैं। उस वर्ष में मुझे और आपको प्रभु की योजना के अनुसार चलना जरूरी है। वो लाइट जिसमें उसने मुझे और आपको बुलाया है, वो ज्योति जिसमें उसने मुझे और आपको बुलाया है, वो अपने जीवन से मुझे और आपको रिफ्लेक्ट करना जरूरी है। नूह के समान इस डार्कनेस में, इस कंप्लीटली डार्क अंधकार से भरी हुई दुनिया में मुझे अलग दिखना जरूरी है, ताकि मेरे द्वारा यीशु मसीह का प्रकाश इस संसार में फैल सके, और यीशु मसीह और परमेश्वर जब ऊपर से दृष्टि करे और मुझे चमकते हुए देखे, तो मैं उसके सामने ग्रहण योग्य हूँ, उसको पसंद आने वाली हूँ, उसको प्रसन्न करने वाली हूँ।
प्रभु का धन्यवाद हो, परमेश्वर का धन्यवाद हो। आई एम प्रार्थना करें, धन्यवाद करते हैं परमेश्वर सुंदर वचन के लिए, सुंदर बातों के लिए जो आपकी दया आपके अनुग्रह से आपने हमसे की पिता। धन्यवाद हो पिता परमेश्वर, हमें सहरे को आपने तंदुरुस्ती दी, सुरक्षित रखा, इस साल के इन अंतिम दिनों में हमें पहुँचाया पिता। मैं आपका धन्यवाद करती हूँ, दिल से आपका धन्यवाद करती हूँ हमें सहरे के जीवन के लिए, जिन्हें आपने संसार से अलग करके चुन के अपने समीप बुलाया पिता। धन्यवाद, आदर और महिमा के योग्य परमेश्वर आपके नाम को ऊंचा उठाते हैं और इस समय हम सब अपने आप को आपके हाथों में सौंप देते हैं। राजा आपने अपना कंट्रोल अपने आप से हटा के यीशु आपके हाथों में दे देना चाहते हैं। अपनी योजना के अनुसार चलाइए, क्योंकि हम जानते हैं कि आपकी योजना हमारी हानि की नहीं वरन लाभ की है पिता, और हमारी आशा का पिता विशेष ध्यान रखते हैं पिता। आप हमारी बहुत चिंता करते हैं, हमसे बेहद प्रेम करते हैं, इसलिए अपने निश्चिंत हो जाकर अपनी सारी चिंता फिकर छोड़कर राजा उसको आपके सम्मुख रखकर पिता आपसे प्रार्थना करते हैं। अपनी शांति आनंद से हमें भर दीजिए इस नए वर्ष में पिता, एक नया जीवन दीजिए, एक नया मन दीजिए पिता, वो मन दीजिए जो आपकी इच्छा के अनुसार आपके वचन के अनुसार हमसे कार्य कराने वाला हो सके, जिसमें सिर्फ आपकी बातें, आपकी स्तुति, आपके भजन, आपका धन्यवाद भरा हो पिता, और वो हमारे जीवन से रिफ्लेक्ट होने वाला हो सके। आपकी योजना के अनुसार चलाइए, हर एक के लिए मैं ये मांग लेती हूँ पिता परमेश्वर। धन्यवाद, आदर और महिमा आपको देते हुए प्रार्थना को आपके प्यारे बेटे खुदा यीशु मसीह के नाम से मांगती हूँ, आमीन। परमेश्वर का धन्यवाद हो, प्रभु हम सबकी अगुवाई करे, बहुत आयत से अपनी महिमा के लिए यूज करें, आने वाले समय में प्रभु हमें संभाले, एक नए वर्ष में जब हमें प्रवेश करा रहा है तो उसकी योजना मेरे और आपके जीवन में पूरी हो सके और हम उसकी इच्छा के अनुसार चलने वाले हो सकें। प्रभु हमारी अगुवाई करें। विश यू ऑल अ वेरी वेरी हैप्पी न्यू ईयर मेरे और मेरे फैमिली की तरफ से। आप सबको ना आने वाले वर्ष की, नए वर्ष की बहुत सारी शुभकामनाएं परमेश्वर के नाम से। हम लोग के, हम सब के लिए आने वाला वर्ष जो है वो बहुत आशीषों से भरा हुआ, उसकी भलाई को देखने का, उसकी करुणा, उसके अनुग्रह को अपने जीवन में पाने का और उसकी इच्छा के अनुसार चलने का वर्ष हो। प्रभु का धन्यवाद हो। मसीह की शांति मेरे और आपके विचारों को उसमें सुरक्षित रखें, हम उसमें बने रहें और आनंदित रहें। जय मसीह की।